हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हेल्थ इंश्योरेंस सीरीज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर हम पॉलिसी खरीदते समय कर लेते हैं, जिसका हमें कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपने जिस मकसद से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, हो सकता है वो मकसद डाइल्यूट हो जाए और आपको जिस समय ज़रूरत है उस समय आपको अपनी पॉकेट से पैसा भरना पड़े। सबसे पहला दोस्तों, कभी भी आप अपने एजेंट की बातों में ना आएं, उससे कहें कि आप हमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिखाइए कि इसमें कौन कौन से कवरेज हैं। दोस्तों, पहले आप अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को ख़रीदने का प्लान बनाएं, क्योंकि आपका एजेंट, उसको अपनी पॉलिसी बेचनी है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कह देता है कि नहीं, ये पॉलिसी ले लीजिए, इसमें सब कुछ कवर है, और आप अस्पताल में जाएंगे, आपको एक पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। उसमें आपको जो पेमेंट मिलता है वो पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही मिलता है। अस्पताल अपना बिल बनाता है, जो उसका टैरिफ है उसके हिसाब से। लेकिन उसमें नॉन पेबल आइटम्स हो सकते हैं, कैपिंग हो सकता है, कोपे हो सकता है, वो आपको भरने पड़ेंगे। और अगर मान लीजिए कि आपकी पॉलिसी में वो बीमारी उस टेन्योर में अभी कवर ही नहीं हुई है, तो सारे का सारा खर्चा आपकी पॉकेट पे आ सकता है और आपकी इंश्योरेंस कंपनी उस बीमारी के लिए पे करने से इनकार कर सकती है। दूसरा दोस्तों, जब भी आप प्रपोजल फॉर्म भरने जाएं, यानी कि जब आप पॉलिसी खरीदते हैं, एक फॉर्म भरते हैं, तो उस फॉर्म को बहुत ही ईमानदारी के साथ भरें। उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी ना छुपाएं जो आपके लिए बाद में जाके नुकसान का कारण बने। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या आपको कोई पहले से कोई बीमारी है और आपने उस फॉर्म में डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन कभी आपको इमरजेंसी भर्ती होने की ज़रूरत पड़ गई अस्पताल में, लेकिन वहाँ पे जब आपने हिस्ट्री दी तो आपने ईमानदारी से सारी बात बता दी डॉक्टर को, डॉक्टर ने भी जो आपने बताया वो लिख दिया अपनी रिकॉर्ड्स में, लेकिन जब वो रिकॉर्ड इंश्योरेंस कंपनी को जाते हैं तो फिर उसमें नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट पे आपका क्लेम डिनाय हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है और इस रीज़न पे अस्पताल में मरीजों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बावजूद कैशलेस लेने में बड़ी दिक्कत आती है। तो दोस्तों, डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स ईमानदारी से करें। अगर आप कुछ नहीं छुपाएंगे तो आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन अगर छुपाएंगे तो आज के दौर में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, कहीं ना कहीं से इंश्योरेंस कंपनी के पास रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, किसी दूसरे अस्पताल की समरी से मिल जाते हैं, अस्पताल से वो खुद इन्फॉर्मेशन ले लेता है, आपके मेडिकल रिकॉर्ड मांग सकता है। तो ये मान के चलें कि वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंची जाएगी। तीसरा दोस्तों, कोशिश करें कि आप फ्लोटर पॉलिसी पे जाएं, यानी कि ऐसा ना करें कि आप इंडिविजुअल पॉलिसी एक पर्सन के नाम पे लें, आप पूरे परिवार को उस पॉलिसी में कवर करें, तो आपका प्रीमियम भी छोटा होगा और जो सम इंश्योर्ड है उसका बेनिफिट सबको मिल सकता है। फ्लोटर पॉलिसी दोस्तों क्या होती है कि आप जब परिवार के लिए पॉलिसी खरीदते हैं, यानी कि आपने मान लो 10 लाख की पॉलिसी खरीदी, तो 10 लाख का अमाउंट किसी एक पर्सन पे भी सारे का सारा इस्तेमाल हो सकता है अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो। अगर ऐसा बहुत कम होता है कि सारे के सारी फैमिली मेम्बर ही बीमार हो जाएं या सबको एक साथ ज़रूरत पड़े, तो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कंपेरिजन टू हर एक इंडिविजुअल पर्सन के नाम से एक एक पॉलिसी खरीदना। चौथा दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी खरीदनी होती है, क्योंकि जो प्रीमियम कैलकुलेट होता है वो प्रपोजर की एज पे कैलकुलेट होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रीमियम बढ़ता जाता है, तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। पांचवा दोस्तों, हम क्या करते हैं, कई बार हमने पॉलिसी शुरू की, 1 साल 2 साल 3 साल प्रीमियम भरा और हमें लगा यार ये पैसा तो यूँ बेकार में जा रहा है, इस्तेमाल तो हुआ नहीं, हम या तो पॉलिसी बंद कर देते हैं या अनजाने में हम प्रीमियम पे करना भूल जाते हैं। दोस्तों, ये गलती मत करना। अगर आपने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 2-3 साल चलाती है तो उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि उसमें अब आपका मैक्सिमम कवरेज आ चुका है और जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। छठा दोस्तों, जहाँ पे बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स गलती कर जाते हैं, उनको ये लगता है कि अब तो पॉलिसी आ गई है, एजेंट ने तो कहा सब कुछ कवर है, और जैसे ही हमने 2-3 प्रीमियम पे किए हमें लगा यार ये तो अमाउंट बस यूँ ही जा रहा है, इसका रिटर्न तो कोई आ नहीं रहा। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको ईयरली रिटर्न के लिए नहीं है, उससे रिटर्न आपको तब मिलता है जब कभी कोई ऐसी कंडीशन आती है, आप या आपका फैमिली मेम्बर को बीमार होता है, तो उस समय आपको रिटर्न मिल जाता है दोस्तों। तो आप ये गलती ना करें कि चलिए मैंने 2 साल का प्रीमियम भर दिया, आप कुछ इन्वेस्टिगेशंस करा लेते हैं और हम ये पैसा रिकवर कर लेते हैं।
तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, डॉक्टर साहब से कहते हैं कि साहब हमें भर्ती कर लीजिए, और डॉक्टर साहब जो उनको फाइंडिंग मिलती है वो लिखते हैं, और पता लगा कि कोई तो बीमारी निकली नहीं, मरीज़ का कोई डायग्नोसिस तो बना नहीं, सारे के सारे रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं। तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी आपका पूरे का पूरा क्लेम डिनाई कर देती है नॉन एडमिसिबल फॉर एडमिशन की कंडीशन लगा के, यानी कि आपको भर्ती की ज़रूरत नहीं थी, आप ज़बरदस्ती भर्ती हो गए। तो आप अपने डॉक्टर को कभी इस चीज़ के लिए प्रेशर ना करें कि आप हमें भर्ती कर दीजिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए, हमारा फ़ायदा हो जाएगा। इसमें आपका नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि एक तो आपका जब क्लेम डिनाय होता है तो आप इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ अस्पताल के कमरे का खर्चा, डॉक्टर की फ़ीस और दूसरे खर्चे भी भर रहे होते हैं। तो वहीं वो जो सारे इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने मान लो एक अमाउंट पे किया, शायद उसके आधे में ही आप OPD से वो इन्वेस्टिगेशन करा सकते थे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, सो आपको मेरी वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको इन वीडियोज़ का लाभ मिले। धन्यवाद।